हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने वाले हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस। तो भाई लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा हमने बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले हमने भाई अपने पास जो एक क्रिमिनल यहाँ पे हमने अपने छोटे से जेल के अंदर रखा था उसको भाई बड़े जेल के अंदर ट्रांसफर किया। उसके बाद उससे हमें जो कॉन्ट्राबैंड्स मिले थे उनको भी हमें सबमिट करना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं कि वो हमें मिले तो हम रख सकते, वो हमें यार ऊपर सबमिट करने पड़ते हैं। तो साथ ही साथ पिछली बार हम भाई एक एम्यूनेशन की शॉप के अंदर गए थे, वहां पे खरीदने के लिए यार बहुत सारे वेपन्स वगैरह थे, बट अपने बजट में फिलहाल सिर्फ एक ही चीज थी जो की थी भाई ये छोटी सी पिस्तौल और इसकी बहुत सारी बुलेट्स हम यहाँ पे लेके आए। तो भाई अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया तो एक बार जाके चेकआउट करना, मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम वापस से आ चुके हैं भाई अपनी चेक पोस्ट के ऊपर अपना पुराना काम करने। ये देखो यहाँ पे कुछ तो नई चीज आई है ऑन अप्रैल। ओके तो गाइस ये देखो यहाँ पे अपने को यार एक नया ऑर्डर मिल चुका है जो कि है भाई अकारिस्तान की जो भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन लोगों ने भाई रूल्स एंड रेगुलेशन पे थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि ये है कि किसी भी ट्रक या फिर किसी भी सामान लाने वाली गाड़ी के अंदर जो भी सामान है उसकी एक लिस्ट अपने पास होनी चाहिए और अपने को भाई एक एक चीज चेक करनी है और अगर कोई भी चीज मिस हुई या फिर कोई भी चीज ज्यादा है तो उन लोगों पे एक्शन होगी या फिर उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अभी अपने को उस चीज का ध्यान रखना है। और ये देखो भाई पहला ही आ चुका है तो इससे हमें यार इस बार लिस्ट की भी मांग करनी है। चलो भाई अपना ये दे दो, सारी चीजें दे दो भाई। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, पासवर्ड भाई साहब, नाम वाम देख लो, मैच हो गया। पासपोर्ट नंबर मैच हो गया भाई, चलो ये तो काम हो गया। ओके तो भाई इसका सिटीजन आईडी 19 मई तक वैलिड है और आज 19 अप्रैल चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना अभी बाकी है और ये भी जून तक है तो ये भी एक्सपायर नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ इसका भाई ये सही है। बट ये देखो ये नई चीज ऐड हो चुकी है जो कि भाई कार्गो लिस्ट। तो अभी अपने को ये सब चेक करना पड़ेगा भाई, रुको दो मिनट, आप लोगों को मैं जान ही नहीं दे रहा। हटाओ ये सब, अपने को देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे बट अभी। ओके तो यहाँ पे अपने को एक नई चीज मिल चुकी है जो कि अपना कार्गो टेबल। ऑल राइट ये देखो अभी अपने पास एक पूरा नोट टेबल आ चुका है भाई, इससे अपन चेक भी कर सकते हैं। बट यार गाड़ी के अंदर कैसे जाएंगे, खोलो यार इसको तुम लोग। ओके खोला, चलो ऊपर जाने दो हमें। ऑल राइट तो अपने को कुछ करना नहीं है भाई, अपने को सिर्फ ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें गिननी जाएगी। मतलब हाँ ये सही है भाई, वरना अपन कैसे भी गिन लेते तो नहीं होता काम। अपने को सिर्फ ऐसे क्लिक करते जाना है और उसके बाद हम चेक कर लेंगे पूरा एंड में। ओ एक चीज रह गई, अरे यार ये भी रह गया, थोड़ा ध्यान से भाई कुछ। ओ सोप, इतना बड़ा सोप कहाँ से होता है यार, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बट भाई सब कुछ अच्छे से काम हो जाएगा अपना, चेक करो अभी। फर्टिलाइजर 12 है, गैस रेंज इसकी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, टॉयलेट 1 है और यहाँ पे 3 लिख रखा है, बायोजार्ड मटेरियल 1 है, सोप 1 है। ओ भाई थोड़ा गड़बड़ कर दी हमने, टॉयलेट 1 ही है क्या इसने लाया हुआ, मटेरियल ज्यादा की जगह कम है इसके। यहाँ पे इसने 3 क्यों बोला है फिर और लाया तो 1 ही है, तो अपने को थोड़ी सी यहाँ पे कार्गो लिस्ट में दिक्कत है तो ये बताना पड़ेगा भाई। पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम चल रहा है और अभी ये चेकअप मैं कर लूं कॉन्ट्राबैंड वगैरह का कुछ। ये लो अपना रिपोर्ट बन चुका है, अभी मैं इसको देता हूँ डिनाइड, सॉरी। अभी ये जाएगा तभी अपने को समझेगा भाई कि हमने सही से काम किया या फिर गलत। भाई सब कुछ सही था, सामान कम ले आया तो थोड़ी सी गलती हो गई, पता नहीं मेरे को। ऑल राइट ये देखो $100 मिल चुके हैं, मतलब सही से काम किया हमने। ओके तो दूसरी गाड़ी आ रही है, इसमें सामान नहीं है तो इसको नहीं चेक करना पड़ेगा इतना। ओ है भाई इसके अंदर भी सामान, अभी हर गाड़ी में सामान आ रही है। डॉक्यूमेंट्स लाओ जल्दी से, नाम सही है। ओके तो भाई सारी चीजें इसके पास सही है, अभी अपने को ये सारी चीजें यहाँ पे गिननी पड़ेगी। चलो गाड़ी के अंदर ही घुसना पड़ेगा, बट कैसे घुस सकते हैं, अभी इस साइड में भी डोर है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं बाकी की चीजें। ऑल राइट गाइस तो ये देखो भाई मैंने सारी चीजें हमने गाड़ी से बाहर निकाली और ये देखो इससे भाई कॉन्ट्राबैंड्स मिल रहे हैं हम लोगों को, बहुत सारी चीजें यार यहाँ पे। तो अभी मैं सारी, ओ इसके लिए थोड़ा गलत वेपन यूज कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए एक्स लगेगा भाई, ये वुड का है। ओके खोलो भाई पूरा, ये भाई पूरे के पूरे कॉन्ट्राबैंड लेके घूम रहा है बंदा। यार मैंने जब इससे टॉर्च से चेक किया था तो नहीं दिख रहा था, ये देखो टॉर्च कुछ काम की नहीं है क्या, कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो टॉर्च से कुछ नहीं दिखता भाई, अपने को एक एक चीज चेक करके देखना पड़ेगा। ये तो गजब ही सीन था भाई, खोलो पूरा, इसके अंदर है क्या कुछ, नहीं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसी कार के अंदर भाई पूरी शाम हो गई यहाँ पे भाई, तेरी वजह से इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है, निकल बाहर साले, इसको अरेस्ट करते हैं भाई, एमुनेशन लेके जा रहा था तो इसको अभी हम फिलहाल के लिए जेल में डाल देते हैं और जितना भी काउंटर बैंड अपने पास उसको भी हमें रख देना पड़ेगा। ऑल राइट ये चला गया भाई जेल के अंदर, चलो बाहर। और ये जो अपना स्टोरेज रूम है इसके अंदर मैं सारे काउंटर बैंड शिफ्ट करूँ भाई, ये अपना है। और भाई देखो हर बार ही बताना पड़ता है हटा ये गाड़ी, मतलब तू पैसे किस चीज के लेता है। ये आ गई वापस एक और गाड़ी जो जिसके अंदर भी सामान है, और दो ही गाड़ी है बाकी अपनी, इसके अंदर भी सामान है क्या, हाँ है भाई सामान, चलो इसको बाहर रखो। अभी भाई थोड़े प्रो लेवल के स्मगलर यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करते, सारी चीजें बाहर करो भाई। चलो तो भाई सारी चीजें हमने गिन ली, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूं, हैवेल इसके पास 2 और कॉफी स्टैक 1, मतलब सब कुछ सही है। बट यार इसको तो अभी खोल के देखना पड़ेगा, चलो ये सही है अभी इसको खोलते हैं। अरे यार इसके लिए भी चाकू लगेगा, चाकू यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही नहीं है अपने पास, ऐसे तो कुछ मिला नहीं इसके पास तो अपने को यार दिक्कत दे सकता है, एक बार शूट करके देखोगे इससे। बाकी सब चीजें तो सही है भाई इसकी, बट चाकू की वजह से अगर उस चीज में कॉन्ट्राबैंड निकल गया ना तो अपने को दिक्कत हो जाएगी। ओके तो भाई सारे कार्गोज वापस से गाड़ी के अंदर हमने रख दी है, ठीक है यार अगर तेरी वजह से मेरे को मिला ना भाई अगली बार तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, खातरस नाम याद रख लेता हूं इसका। ओके सही था भाई मेरे को लगा ही। चलो भाई लाओ आप डॉक्यूमेंट्स दो अपने, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं चेक कर लूं,
क्या क्या गोट पांच है भाई, ओके सब सही है। चलो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं और चीजें चेक कर लेते हैं एक बार। पांच गोट बोला है, तीन ही गोट है भाई के पास, गलती कर दी भाई तूने, तीनों गोट हमने बाहर खड़ी कर दी है। कुछ भी करते हैं यार हम लोग, एक दो और तीन, भाई ने पांच लिखा है शायद से वहां पे, मेरे को देखने दे। पांच बोला है और ये कन्फर्म कार को तीन ही है, तो तू नहीं जा सकता भाई, थोड़ा सा घपला किया है तूने, दो किधर खा गया तू, मतलब वो तुम्हारा आपसी मामला है, बट फिर भी आपके लिस्ट में। ओ नहीं नहीं भाई रुक रुक दो मिनट रुक यार, अरे यार रिजेक्ट तो मैंने कर दिया बट किस चीज की वजह से रिजेक्ट किया वो नहीं लिखा वहां पे। इसके पीछे एक इंस्पेक्शन फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है, वही नहीं फिल किया। ये देखो -100 हो गए, जो कमाया वो सारा वेस्ट हो गया भाई। यार इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो भाई फाइनली अपना आज का वर्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और जैसे मैंने बोला था हर बार भाई इस गेम में कुछ नई चीज आ जाती है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Yeah.